हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पंचतंत्र की एक और कहानी, जिसका नाम है जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत समय पहले एक गांव में नट्टू नाम का दूध वाला रहता था। गांव के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। वह बचपन से अपने पिता के साथ दूध बेचता आ रहा था। उसके पास बहुत सारी भैंसे थी। उसे अपनी सभी भैंसों से बहुत लगाव था। हर बार की तरह वह इस साल भी पशु मेले में भैंस खरीदने गया। अरे नट्टू भाई, कैसे हो और सब बढ़िया? हाँ भाई, सब बढ़िया। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो बताओ, इस बार कौन सी भैंस लेने का इरादा है? पहले थोड़ा अच्छे से देख तो लूँ। नट्टू को सब भैंसों में से एक भैंस बहुत पसंद आती है। नट्टू भैंस की तरफ इशारा करके बोलता है, यह भैंस तो काफी तंदुरुस्त लग रही है, इसका नाम तो बताओ जरा। बहुत अच्छी नजर आपकी नट्टू भाई, ये मेरी सबसे पसंदीदा भैंस है। मैं इसे प्यार से बसंती बुलाता हूँ। यह ढेर सारा दूध देती है, यह आपको निराश नहीं करेगी। वह बसंती को खरीद लेता है। नट्टू को अपने गांव के रास्ते में एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। जब वह बसंती को गांव ले जा रहा था तो उसे रास्ते में एक आदमी अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह आदमी हाथ में एक मोटी लाठी लिए चला आ रहा था। जैसे ही वह नट्टू के पास पहुंचता है तो वह लाठी दिखाता हुआ नट्टू से कहता है, अरे ओ दूध वाले, चुपचाप ये भैंस मुझे दे दे और यहाँ से 9-2-11 हो जा, वरना तेरी खैर नहीं। नट्टू आदमी की कड़क आवाज सुनकर डर जाता है। भाई, आपको कैसे पता चला कि मैं दूध बेचता हूँ? अबे मंदबुद्धि, अगर तू दूध नहीं बेचेगा तो क्या इस भैंस का अचार डालेगा? ये क्या बात हुई, मैं भैंस बेचने वाला भी तो हो सकता हूँ। नट्टू की बातें सुनकर आदमी को गुस्सा आ जाता है। देख, फालतू बातें मत कर, चुपचाप ये भैंस मेरे हवाले कर दे, वरना। नट्टू मन ही मन सोचता है, ये आदमी नहीं पिघलने वाला, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ये भैंस ना खोनी पड़े। थोड़ा सोचने के बाद नट्टू के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह आदमी से बोलता है, अच्छा भाई ठीक है, ये पकड़ो भैंस की रस्सी। नट्टू आदमी को भैंस की रस्सी थमा देता है। फिर वह थोड़ा उदास होकर बोलता है, भाई अब ये भैंस तुम्हारी हुई, तुम इसे ले जा सकते हो। आदमी नट्टू के इतने शांत रवैये से प्रभावित होता है। इससे पहले मैं ये समझ पाता कि नट्टू भैंस देने के लिए इतना नरम कैसे हो गया, नट्टू फिर से बोल पड़ता है, भाई भैंस तो तुम्हारी हो गई, अब अगर मैं इस तरह खाली हाथ घर जाऊंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। नट्टू की बात सुनकर आदमी बोलता है, तो क्या चाहते हो तुम? क्योंकि तुम मेरी भैंस तो ले जा ही रहे हो, तो इसके बदले में मैं तुम्हारी लाठी ले लेता हूँ, इससे मुझे भी बुरा नहीं लगेगा। आदमी मन ही मन सोचता है, अब ये भैंस तो मेरे पास आ ही गई है, वैसे भी इस लाठी का मैं करूँगा भी तो क्या। ऐसा सोचकर आदमी नट्टू को अपनी लाठी दे देता है। जैसे ही नट्टू के हाथ पे लाठी लगती है, वह अकड़ कर खड़ा होता है और आदमी से कहता है, अबे चल भैंस की रस्सी इधर ला, अन्यथा तेरा सर फोड़ दूंगा। नट्टू की तरह आदमी भी डर जाता है। जिस लाठी के दम पर उसने भैंस छीनी थी, अब वह उसके पास से जा चुकी थी। आदमी को अपनी मूर्खता का एहसास होता है। वह चुपचाप भैंस की रस्सी नट्टू को दे देता है। फिर वह गिड़गिड़ा कर नट्टू से कहता है, प्रिय दूध वाले, लो तुम अपनी भैंस संभालो,
और मुझे मेरी लाठी लौटा दो। नट्टू जानता था कि अगर उसने फिर से लाठी उस आदमी के हाथ में पकड़ा दी तो वह फिर अपनी भैंस से हाथ धो बैठेगा। वह आदमी से कहता है, कैसी लाठी, कौन सी लाठी? अरे मूर्ख इंसान, तूने सुना नहीं क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब भीगी बिल्ली की तरह यहाँ से भाग जा। यह सुनकर आदमी वहाँ से चला जाता है और नट्टू अपनी बुद्धिमानी के बल पर अपनी भैंस बचाने में कामयाब होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने विवेक से काम लेना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।